हेलो दोस्तों, वेलकम टू विशाल फर्नीचर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। आज की वीडियो में हम बताएंगे यहाँ पे जो डिज़ाइन दिख रहा है ये कैसे कट होता है और इसका मार्क कैसे करते हैं, पूरा इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा डिज़ाइन कट करने के लिए आपको जिस साइज का प्लाईवुड चाहिए वो साइज का प्लाईवुड कट कर लीजिए। जैसे कि हमको 30 इंच चाहिए तो हमने 1 इंच बड़ा कट कर लिया है। देखिए ये 31 इंचेस और ऐसे में भी 31 इंचेस, ये थोड़ा ज्यादा है लेकिन 31 इंचेस हमको कट करना है। अब देखिए इसका सेंटर कर लेंगे, ये 15.5 इंच ऐसा हो गया और यहाँ से भी 15.5 इंच कैसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद आपको एक पट्टी ले लेना है, आपको जितना का हमको 30 इंचेस चाहिए तो उसका हाफ डिवाइड करेंगे। उसका हाफ डिवाइड करने के लिए देखिए एक ऐसा पट्टी लेके वहां पे एक नेल यहाँ पे फंसा लेंगे। उसके बाद यहां से टेप लगा के मार्क करेंगे 15 इंच तक। तो देखिए 15 इंच हो गया, यहाँ पे भी एक नेल फंसा लेंगे हम। अब दोस्तों ये जो हम सेंटर का मार्किंग किए हैं इसमें भी थोड़ा नेल्स से क्या करेंगे, होल छोटा बना लेंगे, जिससे क्या होगा जो इसमें जो एक कीला पताए हैं उस होल में जाके फंस जाएगा। ये देखिए, उसके बाद इसको चारों तरफ से ऐसा राउंड मार्क कर देना है। राउंड मार्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक कॉर्नर का ले लेंगे एक साइड से, वहां पे देखिए मार्क करके फिर से एक नेल से इसको एक छोटा सा होल करेंगे। फिर से क्या करेंगे, इसको इसी में फंसा के दोनों तरफ कट मारेंगे। इस तरफ, उसके बाद इस तरफ भी, फिर इसको निकाल लेंगे। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी एक छोटा सा निशान मारेंगे। निशान मारने के बाद इसको भी यहाँ पे फंसा लेंगे, फिर यहाँ से कट मारेंगे। इसी तरह आपको पूरे कॉर्नर पे जहाँ जहाँ पे कट लगेगा वहाँ वहाँ पे मार्क करके एक छोटा सा नेल फंसा के इसके पॉइंट पे, इधर उधर नहीं। तो दोस्तों ये हमने इसका कट का जो निशान था वो मार्किंग कर लिए हैं। अब इस मार्क को क्या करेंगे, ये जो कट किया है इसके पॉइंट से मिला देंगे जो जो कट हुआ है। ये देखिए इसको यहाँ पे मिला दिया, थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए। उसके बाद यहां से भी इसका पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्क कर देंगे। इसी तरह जो भी आपका जिधर जिधर कट लगा है उस मार्किंग से लेके दूसरा वाले कट तक मार्क कर देंगे। अब आपको बताते हैं कॉर्नर कितना बन रहा है। तो देखिए ये एक हो गया यहाँ का, ये दो और ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। अब इसको हम कटिंग मशीन से कट कर देंगे। चलिए इसको कट कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स ये डिजाइन तो कट हो गया, तो अब चलिए इसका मार्क करके दिखाते हैं कि मेजरमेंट में है कि नहीं। आज थोड़ा नजदीक आ जाइए, दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इसका कॉर्नर है उसका पहले मेजरमेंट करेंगे। तो हम टेप को क्या करते हैं, थोड़ा 2 इंच बड़ा करके करेंगे इसका मिडिल पॉइंट से। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका ये मिडिल पॉइंट तक 17 इंच बता रहा है 2 इंच बार करके। तो ये भी चेक करेंगे उतना है कि नहीं, सभी जो कॉर्नर का कटिंग है वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से मार्क किया, ये देखिए परफेक्ट 17 इंच यहाँ पे आ रहा है। और इस पर अब भी देख लेते हैं, तो देखिए 2 इंच का सेंटर है यहाँ का, ये पकड़ लिया और यहाँ से देखिए 17, यानी कि ये पूरा बराबर है, ऐसे में बराबर है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका कॉर्नर भी चेक करेंगे, ये भी बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से मैं टेप पकड़ता हूँ, यहाँ पे ये 30 इंचेस बराबर देखिए बता रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ से पकड़ेंगे टेप ऐसे कॉर्नर में लगा के, यहाँ पे भी देखिए 30 इंचेस बराबर बता रहा है। और यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी 30 इंचेस बराबर बता रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।